तो नमस्ते दोस्तों, ये टाटा की कार जो आपने जल्दी देखी नहीं होगी, मतलब डिसकंटिन्यू हो चुकी है अभी फ़िलहाल तो। और इसका नाम बोल्ट है और ये बेस वेरिएंट से थोड़ा ऊपर वाला वेरिएंट है। इसकी बैचिंग देख सकते हो आप, XMS ये पेट्रोल वेरिएंट आता है। इसके साथ साथ आपको डीजल पेट्रोल दोनों वेरिएंट देखने को मिल जाता है अगर आपको चाहिए हो तो, बट अभी ये डिसकंटिन्यू है तो आप नई नहीं ले सकते हो। एंड इसके अलावा इसकी बात करें तो ये 5 सीटर में आती है और ये इसके साथ आपको अलॉय नहीं मिलते हैं, आपको ये व्हील मिलते हैं, मतलब रिम मिलते हैं इसके साथ। और ये लगभग लगती तो वैसे टॉप मॉडल ही है बट है नहीं, और अगर इसमें अलॉय हो जाते तो ये टॉप मॉडल ही दिखती। पीछे से भी देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसकी फ्रंट की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो ये है 1695 mm। एंड इसके अलावा साइड की बात की जाए तो हाइट इसमें आती है 1500 कुछ लगभग, और लंबाई की बात करें तो ये आती है 3500 कुछ, 95। और काफ़ी अच्छी कार है वैसे, बट अभी ये फ़िलहाल इनका कुछ सीन हो रखा है, ये गाड़ी बंद है क्या है, इनकी वायरिंग में दिक्कत आ गई तो कार अभी ऑन नहीं हो रही है। बाकी हम अंदर से आपको दिखाएंगे क्या कैसा रीज़न था। और चलो शायद शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। सो बात करें इसके फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में हमें आपको ये यहाँ पे हेडलाइट मिल जाती है, इसके अलावा ये ग्रिल मिल जाती है, एंड ये क्रोम की फिनिश दी गई है यहाँ पे, और टाटा का लोगो देख सकते हैं आप। एंड इसके अलावा यहाँ पर फॉग लैंप दिए हैं, अगर आप चाहें तो इसको आफ्टर मार्केट वाले भी लगवा सकते हैं। एंड ये बम्पर हो गया, बम्पर इनका काफ़ी ख़राब हो चुका है लगभग। एंड ये नीचे की ग्रिल हो गई, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, एंड लुक भी काफ़ी अच्छा आता है इसकी वजह से। एंड साइड वाली आप देख ही चुके हो, ये मेन हेडलाइट हो गई, एंड ये पासिंग, ये इंडिकेटर हो गई, एंड ये फॉग लैंप हो गया। इसकी कैप इन्होंने घुमा दी पता नहीं जहाँ भी जो भी हुआ। एंड वाइपर मिल जाता है आपको यहाँ पे, दोनों एंटीना मिल जाता है, शीशा मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा। इसके अलावा साइड में ये इंडिकेटर मिल जाते हैं, मतलब इसमें शीशे में इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। एंड ये क्रोम की फिनिश इन्होंने अलग से लगता है करवा रखी है, और ब्लैक फिल्म भी लगवा रखी भाई लोगों ने। और इसके अलावा हम चलो अब बैक साइड से दिखा देते हैं, फिर इसके अलावा साइड से दिखाएंगे, फिर उसके बाद इंटीरियर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यार सेम है, जेस्ट जैसी है, बस पीछे से वो है, ये हैचबैक है और वो जो है सेडान हो जाती है, वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। अब क्यों कर दी गई है, वही उसका वही रीज़न है कि चल नहीं पाई कार। एंड इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो आप, बोल्ट की बैजिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पर टाटा मिल जाता है लोगो, और ये सतना की जहाँ से ख़रीदी गई है वो लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा ये XMS मॉडल है आप देख सकते हो, एंड ये भी क्रोम फिनिश दी जाती है, ये काफ़ी अच्छा लगता है अगर दूर से देखें तो। एंड इसके अलावा ये टेल लाइट दी गई है, इंडिकेटर दिया गया है, एंड इसके अलावा बैक रिवर्स लाइट दी गई है, और यहाँ भी सेम उसी तरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी रिवर्ट्रॉन की बैचिंग दी गई है, एंड ये भी काफ़ी अच्छा है, ये क्या बोलते हैं इसे, शायद सेफ्टी गार्ड बोलते हैं, हाँ ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर कैमरा भी देखने को मिलता है, एंड सेंसर भी लगे हुए हैं, मुझे याद नहीं कहाँ है। और यहाँ पर आप चाहें तो रेड लाइट लगवा सकते हैं, ब्रेक लाइट, एंड यहाँ पर तो लगी हुई है, स्पॉइलर भी दिया गया है इसमें। और काफ़ी ये कहा जाए तो टॉप मॉडल ही लगती है, बट थोड़ा कुछ कारण से ये टॉप मॉडल बन नहीं पाई, बन जाती तो काफ़ी अच्छी कार थी। एंड चौड़ाई उड़ाई इसकी काफ़ी अच्छी लगती मुझे तो, देख सकते हो आप पीछे से टायर आ जाते इसमें 14 इंचेस के, एंड चारों टायर आप देख सकते हो। इसके अलावा आप ये व्हील कवर आपको कंपनी देती है, ये अलग से लगवाना नहीं पड़ता है, टाटा का आप देख सकते हो, यहाँ पर लोगो भी है। एंड इसके अलावा ब्लैक कलर की रिम है इसमें, और ये काफ़ी एक्सीडेंटल लग रही है मुझे ऐसा लग रहा गाड़ी। और इसके अलावा साइड से बात करें तो यहाँ पर ये ब्लैक मैट फिनिश दी जाती है अच्छी, काफ़ी अच्छा लगता है कहा जाए तो, ठीक। इसके अलावा ये ब्लैक कलर की ये दी गई है, यहाँ पे चाहे तो आप क्रोम लगवा सकते हैं। हैंडल दिए गए हैं, सेंट्रल लॉकिंग है इसमें, ये आपको कैप मिल जाती है टंकी की, और यहाँ भी सेम उसी तरह है, आगे भी हो चुका है। यहाँ पर ये पानी फेंकने वाला है, ये वाइपर है, और चलते हैं अंदर, ठीक है। और भाई वो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको। इसके साथ साथ आपको इसमें 5 कलर मिल जाते हैं, पहला तो ये हो गया, इसके अलावा रेड आता है मेरे हिसाब से, एंड 3 और कलर होंगे, 5 कलर इसमें आते हैं और 8 वेरियंट्स आते हैं। एंड भाई ये कार के ओनर हैं ये तो चलते इसके अंदर, कार के अंदर भी देखते हैं, यहाँ से ज़रा डोर खोल देना, इसके अंदर घुसते हैं। तो ये इसकी की मिल जाती है अपन को, और इसके साथ सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाती है, तो अब हमें इसको खोल के देखते हैं। ये खुल गई है गाड़ी,
तो भाई बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो पहले ये की में भी देख सकते हो आप, टाटा की बैजिंग मिल जाती है, तो इसको रखते हैं साइड में। एंड इसके साथ साथ आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, यहाँ पर ही देख सकते हो आप, और ये इलेक्ट्रिक मिल जाते हैं। एंड इसमें आपको ये ऑटो एडजस्टेबल ये साइड मिरर मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें इंडिकेटर भी दिया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेयरिंग काफ़ी गोल है, मस्त सी। एंड इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर एयर बैग मिल जाते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पैसेंजर सीट पे। इसके अलावा यहाँ पर ये मीडिया वो लगवाया गया, स्क्रीन कितने इंचेस का है मुझे लगभग पता नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं लिखा। एंड यहाँ पे मिलता भी है आपको ये कार के साथ, और यहाँ पर सब मिल जाता है। स्टीयरिंग में भी आपको कंट्रोल सिस्टम ये मिला है, तो यहाँ पर आप स्पीकर तेज कर सकते हो, कॉल उठाने के लिए भी यहाँ पर बटन है। और ये हो गया हॉर्न का, और गाड़ी अभी बंद हो रखी है, अब इसका कुछ रीज़न है, वायरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और यहाँ पर मीटर मिल जाता है आपको, ये आप देख सकते हो ये दोनों मीटर हो गए, और सामने आपको टोटल लाइट साइड दिखाती है इसमें। और यहाँ पर एसी भी मिल जाती है आपको, ये है यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर मैट फिनिश मिल जाती, मैट बोल रहा हूँ, ये फिनिश मिल जाती है। एंड इसके अलावा ये मिल जाता है, और यहाँ पर आप लॉक अनलॉक कर सकते हो गाड़ी को। एंड यहाँ पर आप पकड़ने के लिए है, और यहाँ पर होल्डर जो भी जैसा बॉटल वॉटल रखना है आपको तो रख सकते हो। यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है एक यहाँ पर, और साइड में चारों स्पीकर मिल जाते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, मतलब सब गाड़ियों से। बेस मॉडल में ऐसा देना नहीं चाहिए, बट दिया है इसमें, तो मतलब टॉप मॉडल वाला फील है एकदम। और प्लस यहाँ पे स्पीकर चार मैंने जैसा कि आपको बता दिया, और सेम यहाँ पर ये धूप आने की वजह से ये सब भी है। और यहाँ पर लाइट है ये जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये गेट खोलने पर भी ऑन हो जाती है। प्लस यहाँ पर ये पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया, ये बाकी चारों साइड दिए गए हैं, तीन साइड सॉरी। और यहाँ पर आपको मिल जाती है पार्किंग हैजार्ड लाइट, और ये ऑटो एडजस्ट करने के लिए एसी, चार एसी यहाँ मिल जाती हैं, 1, 2, 3 प्लस यहाँ पर 4। और इसके अलावा क्या बात करें, इसके अलावा ये एसी कंट्रोल मिल जाती है ये कूल हॉट के लिए। प्लस यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं इसके साथ साथ, और यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो एसी को कहाँ किधर करना है। यहाँ पर गियर मिल जाता है, ये 6-5 गियर आते हैं, प्लस रिवर्स आता है। इसके अलावा ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक भी सही है। और यहाँ पर इन्होंने मैट लगवा रखी है। इसके अलावा ये हो गया एयर फ्रेशनर, और यहाँ पर ऑक्स मिल जाती है, और प्लस यहाँ चार्जिंग पॉड 12 वोल्ट का वो नहीं है, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, सॉरी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, आप यहाँ पर चार्ज में भी लगा सकते हो मोबाइल। और ये लेदर आपको सीट मिल जाती है इसमें। डैशबोर्ड भी आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा सा डैशबोर्ड है सर, और काफ़ी अच्छा लगता है इसका इंटीरियर लुक मुझे टाटा बोल्ट का। और यहाँ पर बात करें तो एडजस्टेबल, ये नॉन इलेक्ट्रिक है, आपको यहाँ से उठा के ही करना पड़ेगा ये। और बात करें तो ये कवर अवर फैले हुए हैं भैया के, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है पैर रखने के लिए दोनों जगह। यहाँ पर आपको पूरे वो मिल जाते हैं पैडल्स। और बात करें अब पीछे की, तो चलो पीछे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। जो हम यहीं से घुस जाते हैं, खोलना भाई ज़रा। तो ये हम आ गए हैं पीछे की साइड, यहाँ पर आपको ये जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लस यहाँ पे भी चारों इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है ये विंडो, और प्लस ये स्पीकर हो गया। एंड इसके अलावा इसे हम बंद कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको कप होल्डर या बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर पकड़ने के लिए हो गया, और सेम उसी तरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पर सीट बेल्ट भी मिलता है, प्लस ये मिलता है यार, ये वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाइट अच्छा है, बाकी गंदा हो गया अभी। एंड ये ब्लैक डैशबोर्ड के साथ ये काफ़ी मस्त लग रहा है मुझे। ये लाइट हो गई, और यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं मिलती आपको। इसके अलावा बैक की बात करें तो यहाँ पर बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। एंड ये एडजस्टेबल है भाई कि नहीं है? हाँ, ये मतलब पूरी फोल्ड हो जाती है, पूरी 360 मतलब पूरी घूम जाती है, तो बूट स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर ये भी एडजस्ट हो जाती है, पूरी डाउन हो जाती है नीचे को अगर करना चाहें तो। एंड आपको अगर नेक ये जो एडजस्ट करने को भी मिल जाता है, जैसे आप ये ऊपर नीचे कर सकते हो अगर करना हो तो। एंड यहाँ पर भी सीट बेल्ट है, दोनों साइड सीट बेल्ट हो गया, प्लस फुट रेस्ट यहाँ पर भी मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर है। और चाइल्ड सेफ्टी के लिए यहाँ पर चाइल्ड लॉक भी दिया गया है, और ये काफ़ी मस्त व्यू आता है यहाँ से। एंड इसके अलावा यहाँ पर लॉक हो जाता है, यहाँ पर सेट हो जाती गाड़ी, और ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ब्लैक फिनिश करके। एंड इसके अलावा ये टंकी हो गई, आपको अगर ये डिग्गी खोलना तो आप यहाँ से भी खोल सकते हो। एंड इसके अलावा अंदर बटन भी है, उससे भी खोल सकते हो। तो अभी हम यहाँ से खोलेंगे, भाई साहब जरा खोल देना इसको। तो अभी हम यहाँ से खोल के आपको दिखाते हैं स्पेस इसका क्या कितना है।
तो ये आपको स्पेस मिल जाता है इसमें। ये भाई के कवर अवर हो गए एंड देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब आ जाएंगे यहाँ 4-5 बैग आ जाएंगे। एंड इसके अलावा ये टूटा हुआ है, ये अलग से लग जाता है, ये स्टेपनी मिल जाती है आपको एक्स्ट्रा में। इसके अलावा यहाँ पर स्पीकर्स नहीं है ना, स्पीकर्स नहीं है, ये कुछ है पता नहीं हमें। और बस इसके अंदर लाइट भी जलती है जब खोलेंगे अपन। बाकी अभी इनका इलेक्ट्रिक का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है वायरिंग की वजह से, ये कैमरा की वजह से वायरिंग डिस्टर्ब हो गई है एंड जहाँ पे बनी है उसी ने डिस्टर्ब कर दी है। तो अब ये सब भैया बनवाएंगे एंड काफ़ी मस्त गाड़ी है, बस यही थोड़ी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। एंड अभी डिसकंटिन्यू हो गई है तो कुछ सामान इसका मिलना मुश्किल रहता है, जैसा कि जेस्ट भी डिसकंटिन्यू हो गई है। बट लगभग ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है 6-7 लाख के प्राइस के अंदर। एंड ये बेस मॉडल से ऊपर है थोड़ा, जैसा मैंने आपको बताया टॉप मॉडल नहीं है। बट इसका प्राइस अभी जो है ऑन रोड प्राइस कितना है भाई साहब? 8 लाख रुपीज़ है। एंड ऑन रोड 8 लाख है। अगर आपको एक्स शोरूम की बात प्राइस बताऊं तो 7 लाख कुछ 20 हज़ार लगभग इसका प्राइस है ऑन रोड। आपको और इसी टाइप के वीडियोस चाहिए कार से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहूँगा। और काफ़ी अच्छी कार लगी मुझे। एंड इसके अलावा अब हम इसका नेक्स्ट रिव्यू करेंगे, देखते हैं जब ये बन जाएगी उसके बाद भी आपको इसका एक बार और दिखा देंगे क्या क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बाकी वीडियो को करते हैं एंड। तो टाटा, ठीक है, अच्छी गाड़ी हो। बाय बाय।